तुम मिली जब मैं खोया था, तुम मिली जब मैं टूटा था, तुम मिली जब मैं प्यार से डरता था। तुमने ही दिल को जोड़ा है, सही राह पे मुझे मोड़ा है, मेरी मुस्कुराहटों को खोजा है, तुमसे ही ये हुआ। ये मेरे लिए एक बहुत ही नई चीज़ है और मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऐसी कभी कोई चीज़ ट्राई करूँगा जहाँ पे मैं खुद गा रहा हूँ और वो गाना जो मैंने खुद लिखा भी है। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मेरे जो प्यारे से फैंस हैं उनको, क्योंकि उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन दी और उनकी इंस्पिरेशन मिली तो मैंने ये तुम मिली बनाया। सो ये मैं गाना जो है ये मेरे फैंस के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, उनको मैंने ये गाना डेडिकेट किया है एज दिस इज़ माई फर्स्ट सिंगल। एंड मैं लोगों को बोलते रहता हूँ कि नेवर गिव अप एंड डू थिंग्स विच इज़ आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आई थिंक मुझे भी कहीं ना कहीं ट्राई करनी चाहिए और ये प्रूव करना चाहिए कि एवरीवन शुड डू थिंग्स विच इज़ आउट ऑफ देयर कम्फर्ट जोन। एंड एज एन आर्टिस्ट आई फील लाइक कि आई शुड ऑल्सो लर्न न्यू थिंग्स एंड आई शुड ऑल्सो एक्सप्लोर न्यू फील्ड। तो आई थिंक ये मेरे लिए कुछ नया था और मैंने इस चीज़ को अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के इस चीज़ को किया। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने ये गाना अपने दोस्तों को सुनाया। सो एवरीबॉडी वॉज लाइक कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबने बहुत अप्रिशिएट किया एंड सब ने मुझे यू नो कहीं ना कहीं इंस्पायर किया कि आई थिंक यू शुड डू इट, यू शुड लॉन्च दिस सॉन्ग। तो इसलिए मैंने इस गाने को यू नो लॉन्च किया। मैं एक्साइटेड भी हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ, क्योंकि मतलब मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ गाइस। बाथरूम में भी मैं बहुत ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वाला गाना गाता हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या फीडबैक आएगा मेरे फैन से, क्या रिव्यू आएगा, बट आई होप फॉर द बेस्ट। नहीं नहीं, आई एम श्योर अच्छा आएगा, बहुत अच्छा गाना गाया ट्रूली, थैंक यू सो मच। आई थिंक अच्छी बात है ना कि अभी कोई मुझे अगर साइन करना चाहेगा मूवी में तो उसे फुल पैकेज मिलेगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा उसके बारे में, लेकिन जैसे कि मैंने आपको ऐसा सरप्राइज़ दिया, बहुत जल्द फिर से आपको मैं सरप्राइज़ दूंगा और मुझे सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। आपका पूरा सिद्धार्थ के साथ यू नो यू ऑल आर फ्रेंड्स, एक एक ही टीम में काम करना, एक साथ काम करना, हाउ व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक? द एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस एंड आई मस्ट अप्रिशिएट हिज हार्ड वर्क बिहाइंड द सॉन्ग, बिकॉज बहुत मेहनत करी है। अभी काफ़ी टाइम पहले तो ही गेव अप कि नहीं यार छोड़, नहीं करते हैं, नहीं ये करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इनको डेंगू हो गया। तो उसके बाद व्हेन ही रिकवर्ड फ्रॉम दैट देन वी सेड कि नहीं, इनफैक्ट शूट की डेट्स भी लॉक थी तब आपको डेंगू हुआ था, तो आफ्टर ही रिकवर्ड वी सेड कि अब तो शूट करना ही पड़ेगा। एंड द मोटिवेशन वी बोथ गिव टू ईच अदर इज़ लाइक रियली गुड एंड डेडिकेशन बहुत अच्छी है एंड शूट बहुत अच्छा हुआ है। आई मस्ट से it's a wonderful experience to shoot with him, it was very nice. koi acha koi incident kabhi shoot karte hue gana banate hue recording karte hue ya actual shoot mein? I think humne record set kiya hai, humne na 7 ghante mein agar dekha jaye to ye pure music video ko shoot kiya hai, because hamara time tha ki hum you know morning mein 7 o'clock shoot shuru karenge aur we'll wrap up around 12 am tak, लेकिन हुआ ये कि जब जो लोकेशन थी हमारी वो बहुत दूर थी, बहुत बम्पी रोड्स पे थी और सारी रोड्स ब्लॉक थी, तो ऐसा था कि हम दुबई पहुंच गए थे, डेजर्ट सफारी हम कर रहे थे और हम भटक गए थे, हम अपनी लोकेशन में पहुंच ही नहीं पाए और हमें इतना एक्साइटमेंट था शूट के लिए कि हम जल्दी बस पहुंच जाए शूट करें और वो सब एक्साइटमेंट से ड्रॉप डाउन हो गया कि नहीं यार अभी तो शायद हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। बट आफ्टर फोर आवर्स लोकेशन पे 1 बजे पहुंचे एंड फटाफट हम रेडी हुए एंड देन हमने स्पीड पकड़ी एकदम और हमें शूट किया। तो आई थिंक ये जो पूरा म्यूजिक वीडियो ये 7 घंटे के अंदर अंदर हमने शूट किया है, ऑल थैंक्स टू डायरेक्टर जय भाई। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत कभी कभार अपने आप को यू नो लकी फील करता हूँ कि आई हैव
फ्रेंड्स यू नो आई हैव फ्रेंड लाइक सुरभि बिकॉज जो सपोर्ट इन्होंने यू नो किया है मुझे इस गाने को लेके वो मैं कभी नहीं भूल सकता सो थैंक यू सो मच यस थैंक यू सो मच बट दोस्ती में थैंक यू सॉरी नहीं होता ओह क्या बात है मूवी का डायलॉग थैंक यू बहुत बाकी फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा सिद्धार्थ जब गाना देखा उन्होंने आप यू नो द अनलिस्टेड प्रीव्यू जब आप उनको दिखा रहे थे सबके कुछ ना कुछ तो यू नो एक फीडबैक रहता है जिसको सुन के अच्छा लगता है या लगता है नर्वस हो रहे हो या चैलेंजिंग लगता है मेरे जितने भी लोगों मैंने अपना ये गाना सुनाया अपने सारे फ्रेंड्स को सबने यू नो सबने अच्छा ही कमेंट किया सबका पॉजिटिव कमेंट था और सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि गाना वाकई अच्छा लग रहा है और पहली बात वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मैंने गाया है तो जब मैं उनको गाना सुनाता तो ऐसे देखते थे सो ये उनका रिएक्शन रहता था बट देवर लाइक कि मतलब अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने गाया बट गाना मैंने ही गाया तो देवर लाइक कि इट्स अमेजिंग इट्स ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे लिरिक्स हैं अच्छा लग रहा है थोड़ा फ्रेश लग रहा है और थोड़ा ऐसे यूथफुल भी लग रहा है सो आई थिंक सबने तारीफ करी और आई थिंक उसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली कि चलो ठीक है सब तारीफ कर रहे हैं तो कर देते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सॉन्ग इज कि लिरिक्स बहुत कैची हैं आप गाना सुनोगे आपको गाना इतना अच्छा लगा कि इतना अच्छा गाया फिर आप लिरिक्स पे आओगे तो आप बोलोगे नहीं यार लिरिक्स इनफैक्ट मैंने ना अपने मेकअप आर्टिस्ट को सुनाया कल सुनाया था तो आई वाज लाइक कि गाना सुन लो एक बार देखो कैसा लग रहा है तो आफ्टर 3 आवर्स शी वाज ममरिंग द सॉन्ग द ममरिंग द म्यूजिक उनको लिरिक्स तक लर्न हो गई मतलब इतनी कैची है तो आपको भी आई एम श्योर वो लर्न हो ही जाएगी अच्छा लग रहा है मुझे यू नो म्यूज़िक बहुत पसंद है और लिखना भी मुझे बहुत पसंद है वो बात अलग है कि जब मैं लिखने जाता हूँ या फिर मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत अपना एक स्पेस चाहिए होता है तो जब मैं इस गाने को भी लिख रहा था तो ये गाना मैंने ऐसे नहीं कि एक दिन पहले लिखा और अगले दिन मैंने गा दिया आई रोट द सॉन्ग वेरी अर्ली सो मैंने ये गाना बहुत टाइम से लिखा हुआ था एंड सो इसमें ना यू नो बहुत बार चेंजेस किए कि ये लाइन अच्छी नहीं है इसको हटा देता हूँ ये जा नहीं रही है इसका फ्लो नहीं जा रहा है ये मैच नहीं कर रही है तो गाना मैंने पूरा अपने आप लिखा ऐसे ही लिखने के बाद मैंने विभास भाई को बताया विभास भाई जिन्होंने इस गाने को म्यूज़िक दिए जिन्होंने कंपोज किया है तो उनको मैंने सुनाया और उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही प्यारी लिरिक्स है और बहुत ही फ्रेश है बहुत ही न्यू है आई थिंक आपको करना चाहिए हम करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने ना वो एक स्पार्क जगाया मेरे अंदर कि क्या कल का क्यों इंतज़ार कर रहे हो यू हैव टू डू इट टुडे ओनली तो फिर मैं उनको गाना यू नो उनको अपना पूरा पढ़ के बताया एंड उनके भी बहुत सारे इनपुट्स हैं इसमें म्यूज़िक को लेके सो वैसे ही ये गाना यू नो हमने प्रोड्यूस किया और फिर हमने सोचा कि अब तो जब बन चुका है तो क्यों ना हम आप लोग के सामने पेश करें एज एन एक्टर मुझे एक्टिंग ही बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर मुझे सब कुछ आना चाहिए कहीं ना कहीं बिकॉज आप कल को मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करता हूँ तो उस कैरेक्टर की जो भी डिमांड हो तो मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर आई शुड नो एवरीथिंग एंड आई शुड कीप ऑन लर्निंग मोर एंड मोर न्यू थिंग्स तो इसीलिए मैं अपने आप को कभी लिमिट नहीं करता हूँ हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि मैं और कितना कर सकता हूँ या और कितना सीख सकता हूँ मुझे एक जगह नहीं बैठना है कि हाँ मुझे अगर एक्टिंग ही करता हूँ तो मैं एक्ट नहीं करता रहूँ मुझे लगता है नहीं आई एम अ जिमनास्ट से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ एक्टिंग से आई कैन डू सिंगिंग ऑल्सो एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ट्राई करूँगा मैं रुकूंगा नहीं आई विल नॉट लिमिट माई सेल्फ नेवर गिव अप या प्रोड्यूसर मिलिए प्रोड्यूसर जिन्होंने हमें भी प्रोड्यूस किया आप इधर बैठिए मम्मी ने बोले क्या लिखा है तुमने मतलब क्या किसने दिल तोड़ा है और ये क्या है मतलब तुम मिली कौन मिल गया ये सब क्वेश्चन है मम्मी के लेकिन फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मम्मी ये गाना है जैसे हम कैरेक्टर करते हैं एक्टिंग करते हैं ये गाना है अभी तक कोई मिली नहीं दिल कौन तोड़ गया सपनों में आके तो इसने कहा नहीं मैं गा रहा हूँ ताकि कोई मिले तो मेरा दिल ना तोड़े वेरी गुड अच्छी सोच है तो आप शॉक हुए जब इस तरह का गाना लिखा इमोशनल गाना लिखा तो आप शॉक हुई थी नहीं गाना मुझे जो इसने लिखा है वो इतना प्यारा लगा कि
सिद्धार्थ ने हमने लिखा किसके लिए, लेकिन फैंस के लिए जो ये एक डिमांड थी बहुत दिन से, सिद्धार्थ मुझे बोलता है, मेरे फैंस बोला कि कुछ गाओ कुछ लिखो, तो इसने जो लिखा ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो डिपेंड होता है वो किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये मैटर ही नहीं होता, बट उसने लिखा बहुत अच्छा, वो मुझे अच्छा लगा। सिद्धार्थ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स की बात करें, जन्नत इज है, रोशनी इज है, तो आपने सुरभि को ही क्यों चूज किया ये गाने के लिए? गुड क्वेश्चन। क्योंकि सबसे पहले मैंने सुरभि को ही गाना सुनाया, और इस गाने को अगर ये गाना आज की डेट में मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट सुरभि का भी है, बिकॉज उसने मुझे फ्रॉम डे सुरभि उसने मुझे डे वन से यू नो सपोर्ट किया है, और डे वन से उसने बोला कि ये तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। इवन मुझे डेंगू हो गया था और एक टाइम से जहाँ मुझे लग रहा था कि यार आई थिंक नहीं करना चाहिए, ये बहुत अलग चीज़ है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये मुझे बैकफायर भी कर सकता है, तो नहीं करूँगा मैं, बट इन्होंने इस गाने में अपना पूरा योगदान दिया है और इन्होंने मुझे सपोर्ट दिया है कि सिद्धार्थ करो करो। तो आई थिंक ये जो इंस्पिरेशन मुझे मिली सुरभि से मिली, इसलिए वो तुम मिली मैं दोनों चिंकी मिंकी दोनों। सिद्धार्थ ने आपको बोला कि यू आर प्लेइंग, तो आपका रिएक्शन क्या था? वी ऑलवेज सीन यू चिंकी मिंकी साथ में, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग चिंकी सेपरेट, मिंकी जी नहीं है, चिंकी इज देयर, सो क्या कुछ मिंकी जी है हमारे दिल में? नहीं, एक्चुअली द थिंग वाज, एक्चुअली समृद्धि की फुट सर्जरी थी, तो शी कुडंट वॉक फॉर 2 मंथ्स। एक वो भी रीज़न है कि वो नहीं आ पाई थी शूट पे, वरना हमने सोचा था कि हम कुछ ऐसा स्टोरी लाइन कर सकते हैं कि बीच में शी कैन कम, बट अनफॉर्चुनेटली प्लान था कि हम दोनों को ही करेंगे, एग्जैक्टली बुरी सर्जरी थी, बहुत बुरी सर्जरी थी, दोनों ही कैरेक्टर दोनों मेरा था सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बोला कि लेट्स नॉट डिले दिस सॉन्ग, लेट्स जस्ट शूट, वी हैव टू डू इट, ज्यादा डिले नहीं करते, बिकॉज़ बहुत डिले हो रहा था इसमें। आपसे जानना चाहूंगा कि आपको डेंगू हुआ था, फिर देन उसको फाइट बैक किया, 10 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हुए, और रील्स की मैं बात करूं तो आप चारों के रील्स काफी पॉपुलर होते हैं, तो नेक्स्ट हम चारों को एक साथ देख सकते हैं कोई गाने में, आपके गाने में? जरूर जरूर, क्यों नहीं देखेंगे आपके गाने में? मेरे गाने में अच्छे लोग गाना बनाए और अच्छा लेवल आए और चारों को लॉन्च करें, बहुत अच्छा जाएगा। मैं तो ऑफर कर रही हूँ लेवल वालों को, क्या हो भाई अच्छा सा लेके कोई दोस्ती का गाना, क्योंकि बहुत अच्छी दोस्त, चारों की बॉन्डिंग है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। आखिर में गाना गा दीजिए आप। गाओ गाना, बहुत अच्छा गाता YouTube मेरे YouTube चैनल में मैंने डाला है गाना, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वहां पे जाके सुने, व्यूज बढ़ाए। नहीं नहीं, बोलो गाए यहाँ पे भी तो होना चाहिए, मेरी मम्मी मुझे फंसा रही है। क्यों बनाया गाना, गाओ वही वाला, ठीक है थोड़ा सा मैं गुनगुना दे दूं। जो मुखड़ा है जो मेरा बहुत फेवरेट है तुम मिली का, सो मैं वो गा दूं, और बहुत मेहनत से गाया है मैंने गाना, और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा जितनी मेहनत मेरी है उतनी मेहनत विभास भर विभास भाई के मशीन्स की है। तो पूरा गाना मैंने ही नहीं गाया, कहीं ना कहीं वो मशीन ने बहुत हेल्प किया और उस गाने को ब्यूटीफुल और हेयरेबल बनाया है। सो 3, 2, 1